टेस्ला एक बार फिर अपने वादे को पूरा करने में असमर्थ रही है। टेस्ला मॉडल 3 के उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अब टेस्ला के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। टेस्ला अपने मॉडल 3 के उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई और जितनी उम्मीद थी उसकी तुलना में सेडान की कम शिपिंग हुई, जो कि एलन मस्क के इलेक्ट्रिक कारों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रहा। कंपनी को अब उम्मीद है कि जून के अंत तक वो 5000 मॉडल 3S असेंबल कर लेगी। टेस्ला ने साल 2017 के अंत तक एक सप्ताह में जितनी कारों के निर्माण का लक्ष्य रखा था उसे वो पूरा करने में असमर्थ रही। मॉडल 3 के निर्माण में टेस्ला की धीमी गति से विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। कंपनी हर तिमाही में औसतन $1 बिलियन से अधिक निवेश कर रही है। रोबोट असेंबली लाइनों और सेडान के लिए टूलिंग पर भारी खर्च करने के बावजूद कंपनी उत्पादन में वृद्धि में नाकाम रही है। टेस्ला इतना खर्च कर रही है वो भी अपनी सबसे सस्ती कार के लिए, जिसकी कीमत $35,000 है। टेस्ला का शेयर बुधवार को बाजार बंद होने के बाद 2.1% गिरकर $310.65 पर बंद हुआ। साल 2017 में स्टॉक 46% चढ़ा और मार्केट कैप $52.3 अरब पहुंच गया, जिसके बाद टेस्ला फोर्ड मोटर कंपनी के आगे और जनरल मोटर्स कंपनी के पीछे रही। कंपनी ने वर्ष के अंतिम 3 महीनों में 1,550 मॉडल 3S की डिलीवरी का दावा किया, जो ब्लूमबर्ग न्यूज सर्वे में विश्लेषकों के औसत अनुमान 2,900 से काफी कम रहा। टेस्ला के मुताबिक 860 मॉडल 3 सेडान दिसंबर के अंत में ग्राहकों के लिए ट्रांजिट में थे। कंपनी ने कहा कि वो पिछले महीने के अंत तक सेडान के निर्माण में तेजी लाने में कामयाब रही। टेस्ला का अपना उत्पादन का लक्ष्य पूरा न करने का एक इतिहास है, जिससे पता चलता है कि कंपनी बाजार में बड़े पैमाने पर भारी चुनौतियों का सामना कर रही है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।